मैं फिर एक बार पूरे दिल के साथ शुभ्रांशु जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम श्रमिकों के सत्कार का सम्मान का आपने रखा, लेकिन एक कार्यक्रम तभी पूरा होगा जब यहाँ के एक एक श्रमिक को ई श्रम कार्ड मिलेगा। जब तक यहाँ के एक एक श्रमिक को मोदी जी की योजनाओं के तहत जो सारे फायदे हैं वो फायदे उन तक पहुंचेंगे तभी ये कार्यक्रम शुरू होगा। और इसलिए मैं बोलकर जाता हूँ, मैंने तो आज कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिस दिन ये सारे फायदे उन तक पहुंचाने का काम आप करोगे उस दिन वापस यहाँ आऊंगा और उस दिन उनका नहीं तुम्हारा सत्कार मैं यहाँ पर आकर करूंगा। इतना ही आज के मौके पर निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत खुशनसीब मानती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि आज सबसे पहले तो आज शनि अमावस्या है और शनिवार भी है, और ये जो श्रमिक बंधुओं के लिए यहाँ पे आज इतना बड़ा सत्कार महोत्सव हुआ, तो श्रमिक बंधु के सर पर शनि देवता का हाथ है और शनि देवता जी के जो आराध्य देव हैं वो हैं हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी। तो इन्हीं हनुमान जी का हनुमान चालीसा आज यहाँ पे इतने बड़े मंच पे और इतने मान्यवर, बड़े मान्यवर और गणमान्य मान्यवरों के हाथों से, देवेंद्र जी फडणवीस और पूनम जी महाजन जी के हाथों से हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और इससे बड़ा विमोचन तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, तो सभी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शुभ्रांशु जी का तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद जो उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, और इतने बड़े संजय उपाध्याय जी, शेलार जी, इन सब के सामने मुझे आज अपनी कला को सादर करने का मौका मिला। और ये हनुमान चालीसा मैंने खुद संगीतबद्ध किया है और खुद गाया भी है, और बहुत मतलब 1.5-2 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं, इसका संगीत बनाने का और सब प्रोसेस चालू है, जिसको आज पूर्ति मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों से, 2 साल से तो कोविड ने हम लोगों को घर में ही रखे थे, लेकिन आज हमारे आदरणीय हमारे बड़े भैया सुधांशु दीक्षित जी की वजह से हम लोग आज इतने बड़े मंच पर आए, उनका बहुत बहुत आभार जो है। और बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ के लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि हमेशा हमें ऐसे ही मान सम्मान मिले, आप लोगों का प्यार और दुलार मिलता रहे। थैंक यू सो मच।